सो टुडे वी हैव अ बजाज पल्सर RS 200 BS6 मॉडल। तो ये 2021 मॉडल है जिसमें यार आपको वाइट अलॉयज मिलते थे जो कि यार काफ़ी वियर्ड से लगते थे, मगर अब कंपनी को अपनी गलती रियलाइज हुई और उन्होंने वापस से ब्लैक अलॉयज को RS में डाल दिए हैं। तो यार इसमें आपको जो फ्रंट से लुक आता है वो यार जब से बाइक लॉन्च हुई है तब से आपको इस बाइक में यही डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल बस सिर्फ कलर स्कीम चेंज करते हैं बजाज वाले और कुछ भी नहीं, मतलब मॉडिफिकेशंस के नाम पर आपको इसमें खुद ही मॉडिफिकेशन कराने पड़ते हैं। आपको कंपनी तरफ से कुछ भी नया देखने के लिए इस बाइक में नहीं मिलने वाला है। सब कुछ आपको एक एक बॉडी से लेकर मतलब सब कुछ आपको वही मिलता है सिर्फ कलर स्कीम को छोड़कर। तो यार फ्रंट से आप लुक देख सकते हैं, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है, मगर मुझे तो RS का लुक काफ़ी अच्छा लगता है। अभी भी ये आउटडेटेड सा बिल्कुल भी नहीं लगता है, इतने साल हो चुके हैं इस बाइक को लॉन्च हुए, फिर भी यार इसका लुक आज भी एक स्पोर्ट्स बाइक की तरीके लगता है, मतलब देखने में लगती है कि ये स्पोर्ट्स बाइक है कोई। तो यार फ्रंट में आपको डुअल प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं और ये आपको LED प्रोजेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। पहले आपको हैलोजन आते थे, अब LED आने लगे हैं। इसमें आपको ये DRL देखने के लिए मिलते हैं इधर वाइट कलर के, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं जब जलते हैं। तो और फ्रंट में आपको विंडशील्ड मिलती है ब्लैक कलर की, जो कि यार काफ़ी अच्छी लगती है। और इसमें एक बात अच्छी है, कंपनी आपको LED इंडिकेटर प्रेफर करती है इस प्राइस रेंज में भी। तो यार अगर बात करें यार प्राइस की, तो यार इस समय आ रही है 2,04,000 रुपए की ऑन रोड कानपुर में। ये महंगाई को बढ़ी रहा है बचपन से ही। जाए खरीद के लिए। तो यार इसमें भाई ने विंगलेट लगाए हुए हैं और ये स्ट्रिप लगाई हुई हैं ऑप्शन के नाम पर। तो ये सही रिंग लाइट मॉडिफाइड इसमें आपको, और आपको इसमें क्या हजार्ड मिल जाता है लगाया हुआ। तो बस यही छोटे मोटे मॉडिफिकेशन हुए थे इस बाइक में। और यार बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कुछ। तो इसमें यार आपको डुअल चैनल ABS कंपनी प्रोवाइड करती है। फ्रंट में आपको 300mm की डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है, जो कि यार काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करती है आपको। इसमें आपको डुअल पिस्टन कैलिपर देखने के लिए मिलते हैं बाइक की तरफ से, जो KTM में 4 पिस्टन आते हैं वो आते तो काफ़ी अच्छा होता। और आपको यहाँ पर एक बड़ा सा रेडिएटर देखने के लिए मिलता है। और बात करें यार इंजन की, तो इसमें आपको 200cc का लिक्विड कूल इंजन देखने के लिए मिलता है 4-स्ट्रोक DTSI टेक्नोलॉजी के साथ। और बात करें आप पावर की, तो यार ये 24.2 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और 18.2 Nm का टॉर्क। तो यार पावर तो इसमें काफ़ी आपको ज़बरदस्त देखने के लिए मिल जाती है, अपने सेगमेंट में यार काफ़ी अच्छी पावर ये प्रोड्यूस करती है RC के बाद में। और RC और RS में सेम ही इंजन आपको देखने के लिए मिलता है, मगर आपको RS में SOSC इंजन देखने के लिए मिलता है, वहीं KTM में आपको DOSC इंजन देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको कोई स्लीपर क्लच देखने के लिए नहीं मिलता है। और आते हैं यार इसके बैक पोर्शन में, तो यार आपके जो इसकी सबसे यूनिक सी है इसकी मिलती है आपको टेल लाइट। तो यार ये यार किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं अच्छी लगती है, मगर इसका जो लुक आता है ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब ऐसी आपको टेल लाइट किसी भी बाइक में देखने के लिए नहीं मिलती है इस प्राइस में तो बिल्कुल भी नहीं। और आपको इसमें बात करें कम्फर्ट की, तो आपको इसमें आपको अच्छा खासा कम्फर्ट देखने के लिए मिलता है, आप इसमें काफ़ी कम्फर्टेबल होकर इस बाइक में बैठते हैं, तो क्या ये काफ़ी अच्छी है, इसकी वजह से यार स्पोर्ट टूरर्स भी कहलाती है। और इसमें बात करें एग्जॉस्ट की, तो यार एग्जॉस्ट तो लगा ही नहीं इसमें, इसमें थोड़ा सा बाहर आता है एग्जॉस्ट, इसमें NS की टाइप का अभी लग रहा होगा आपको। तो अभी साउंड सुनते हैं इस बाइक की कैसी आ रही है। और बात करें सीट की कुशनिंग की, तो इसमें काफ़ी अच्छी कुशनिंग देखने के लिए मिल जाती है पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी। और यार टैंक साइज तो इसमें आपको 13 लीटर का देखने के लिए मिलता है, जो कि यार इसमें बाइक में आपको माइलेज मिलता है वो 30 से लेकर 35 का ही मिलता है, उसके ऊपर इस बाइक में आप माइलेज एक्सेप्ट ना ही करें तो ठीक है। और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंटी ब्रेक फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि यार काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। इसमें आपको थोड़े से सॉफ्टर साइज में सॉकर्स देखने के लिए मिलते हैं, और वहीं रेयर में आपको नेटरॉक्स की तरफ से मिलते हैं एडजस्टेबल सॉकर्स। तो यार दोनों सॉकर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसमें यार आपको जो चैन मिलती है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है, चैन सेट भी इसका, इसमें आपको जो चैन सेट मिलता है काफ़ी अच्छा और मोटा देखने के लिए मिल जाता है, R15 की तरीके आपको पतली सी चैन नहीं मिलती है। और इसमें आपको व्हाइट कलर के अलॉयज देखने के लिए मिलते हैं, और जो इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसमें आपको थोड़े से नैरो टायर देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको 130 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलता है, और रेयर में वहीं आपको 90 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलते होंगे शायद, मे बी कहाँ लिखा है मिल जाए भैया। हाँ 90 सेक्शन का टायर आपको फ्रंट में देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको वही 100 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलता है, तो काफ़ी अच्छा होता है इस बाइक में। और बात करें इसकी फेयरिंग की यार क्वालिटी तो काफ़ी है, मगर इसमें जो थोड़ा सा पैनल गैप्स हैं, जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी चीप टाइप की लगती है इस प्राइस पॉइंट में, मगर आपको ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश मिलती है वो थोड़ी सी आपको थोड़ा सा ओवरऑल बात करें इसके फाइबर की क्वालिटी की, तो वो यार काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें आपको,
13 लीटर का टैंक मिलता है देखने के लिए। आपको इसमें स्लीपर क्लच देखने के लिए नहीं मिलता है, इसमें आपको बैकलेस लाइट देखने के मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। और इसमें आपको गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी हार्ड देखने के लिए मिलती है, मगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती गियर शिफ्ट करने में। और इसमें आपको बड़ा सा रेडिएटर देखने के लिए मिल जाता है जो कि यार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ये देखिए आप, उसमें एक भी फिंस टेढ़ा नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें यार कोटिंग हो रखी है पेंट की। वहीं R15 और यामाहा किसी ब्रांड में कोटिंग नहीं होती तो काफ़ी फिंस टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मतलब पूरे फिंस ख़राब ही हो जाते हैं। और इसका इंजन आप देख सकते हैं कितना, मतलब बिल्कुल ही पार्ट बिल्कुल ही पूरा भरा होता है, आपको कुछ खालीपन सा नहीं दिखता है। और हाँ, बात करते हैं एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं इस बाइक का एक बार। तो आज इतना सीधा पहले मीटर की बात कर लें तो इसमें आपको वेव की देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। R15 अभी भी वेव की नहीं दे पाई है अपने सेगमेंट की किसी बाइक में। तो इसमें मीटर काफ़ी अच्छा लगता है, आपको निडल पूरा स्वाइप मारते ही आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो यार ब्लूटूथ का लोगो नहीं, ब्लूटूथ का नहीं है, बजाज का लोगो है। ब्लूटूथ इसमें टेक्नोलॉजी इसमें अभी नहीं आई है। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आपको RPM मीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है और टाइम भी देखने के लिए मिल जाता है। लो बैटरी इंडिकेटर, न्यूट्रल का और इंडिकेटर का और पास लाइट का भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और इंजन टेम्परेचर और इंजन चेक लाइट भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो बाइक को करते हैं न्यूट्रल और सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा आ रहा है इस टाइम। इसमें आपको काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट आता है, मगर इसमें एग्जॉस्ट ही नहीं लगा तो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। वाओ, वेरी डेंजरस, काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस इंजन से आ रही है आपको। तो इसमें आपको स्विंगम मिलता है, बॉक्सी सा फ्रेम मिलता है, उसमें कोई एल्युमिनियम स्विंगम देखने के लिए नहीं मिलता है जो कि KTM और R15 में आता है। इसमें आपको सिंगल साइडेड टायर हैगर देखने के लिए मिलता है जो कि यार एक तरफ से बंधा होता है और दूसरी तरफ से पूरा खुला होता है। तो टायर हैगर भी इसमें काफ़ी अच्छा है जिससे कि कीचड़ आपकी बाइक में ऊपर तक नहीं आता, जैसे ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। वहीं R15 में टायर हैगर जो आता है उसमें थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और रेयर में आपको 220mm की डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है ABS के साथ में। तो यार इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलते हैं बाइक को राइड करते हैं और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहता है बाइक का। तो मिलते हैं सीधा राइड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जॉस्ट नोट तो इस बाइक में काफ़ी अच्छा आ रहा है और देखने में स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा लगता है इसमें, जो डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर इस बाइक में। और हैंडल इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्न हो जाता है ऐसा लगता है, ऐसा कोई इशू नहीं है इस बाइक में। थोड़ा सा ब्रेकिंग भी इस बाइक में काफ़ी अच्छी है। तो एक बार फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं 30 की स्पीड में, जाने की रास्ता ही नहीं है, कोई अच्छी जगह ले चलें और 30 जाएंगे। तो इस बाइक में टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा मिलता है, बस इसमें एक कमी है गियर पोजीशन इंडिकेटर की, वो होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। पंच मिलता है आपको थोड़ा सा लीनियर मिलता है फर्स्ट या सेकंड गियर में, बाकी ओवरऑल पावर इस बाइक में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। फ्रंट ब्रेक की बाइक काफ़ी अच्छी थी, ABS अच्छे से वर्क करता है, मगर इनके फ्रंट फोक्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बाइक को, ये रेयर का पूरी अप्लाई इस टाइम, मगर देखिए बाइक रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार दोनों का अप्लाई करते हैं, टॉपिंग पावर तो काफ़ी अच्छी, मगर उतना कॉन्फिडेंस इस बाइक में नहीं आ रहा है जैसा कि हम लोग को R15 में आता है। या हो सकता है रोड काफ़ी थोड़ा सा अच्छी नहीं है इसलिए ब्रेकिंग थोड़ी सी कम इम्प्रूवमेंट हो, बाकी ब्रेक तो काफ़ी अच्छी है। देखते हैं पावर की, तो देखते हैं इसमें वी शायद इसमें पॉपअप नहीं हो रही अभी तो, प्रॉब्लम हो सकती है, मगर इसमें जो RPM मीटर है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। वो भी 0-60 स्पाइक में चेक करेंगे कितने सन नसीब करती है। गाड़ी पोजीशन इस बाइक में काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, उसमें आपको कोई भी पेन नहीं होता आपको है हाथ में या पाम में, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और एग्जॉस्ट नोट तो आ ही रहा है काफ़ी अच्छा, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट नहीं लगा है,
वंडर वैली लगी हुई इस टाइम। और बात करें मिरर्स की, उसमें छोटे छोटे मिरर मिलते हैं, उसमें विजुअलिटीज आपको थोड़ी सी ठीक ठाक ही मिल जाती है, मगर इसमें मिरर, इन बाइकों में मिरर्स का कोई यूज़ ऐसा कोई खास रहता नहीं है। इसमें ये दिक्कत होती है गियर, उसमें इंडिकेटर होता नहीं है तो पता नहीं चलता बाइक कौन से गियर में है। तो चलिए शुरू करते हैं, 0 to 60 कितने सेकंड में अचीव करती है। सामने से गाय हट जाए फिर करें, नहीं तो पता चला सामने ही आ जाए। बात यह टैंक जो मस्कुलर है काफ़ी अच्छा मस्कुलरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आपको ऐसे बिल्ड क्वालिटी को चीप नहीं लगती इस बाइक में। और हैंडलिंग इस बाइक में काफ़ी अच्छी मिल जाती है, शॉकर से बहुत ही वॉबल करते हैं, मतलब बाइक बहुत ऊपर नीचे होती है। तो आपको जो इनिशियल चाहिए वो आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और कुछ में आफ्टर मार्केट लगा हुआ है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी, बाकी जो स्टॉक आता है उसमें साथ सिंगल ही हॉर्न आता है इस बाइक में। और ये आरपीएम लिमिटर देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पर, यहाँ पर जीरो चेक करके देखते हैं। खाली रोड, हाँ खाली है, यार यहाँ खाली नहीं है, रोड ही खाली नहीं मिल रही भाई 0 to 60 चेक करने के लिए। स्कूटी में भाई 0 to 60 चेक हो जाता है यहाँ पर, मगर वही है ये आर एस में नहीं चेक कर पा रहे हैं। एक्सीटर लेंगे तो आपको भाई बाइक पीछे फेंकती है पूरी। काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है आपको इस बाइक में। फर्स्ट ईयर में साथ 51 अचीव करी थी, तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तिल दन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड। हाँ तो भाई, तो जला के दिखाया नहीं था हमने आपको, इसमें रिंग लाइट जो मिलती हैं आपको वो काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में, और इंडिकेटर भी इस बाइक में आपको जो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मतलब फ्रंट से लुक जो आता है इस बाइक में वो काफ़ी अच्छा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे हम इसका R15 का और RS का कंपैरिजन। तो यार ये इट्स प्रतीक ब्लॉग, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब में भी, सब्सक्राइब करें चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।